हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीप एंड टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ क्लास सिक्स चैप्टर नेम इज मेजरमेंट एंड मोशन. द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एप्रोप्रिएट टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन. तो कर्व लाइन को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एप्रोप्रिएट होगा, एकदम सही होगा. ऑप्शन दिया वुडन स्केल. कर्व लाइन मतलब बच्चों होता है जैसे कि ऐसे घुमावदार जो लाइन होता है, ऐसे घुमावदार लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, कर्व लाइन बोला जाता है. तो ऐसे जो घुमावदार लाइन होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इसमें इंस्ट्रूमेंट सही रहेगा, वुडन स्केल. तो वुडन स्केल मतलब लकड़ी का जो स्केल होता है वो मुड़ा हुआ लाइन को तो मेजर कर नहीं सकता है. उसके बाद है वर्नियर कैलिपर. तो वर्नियर कैलिपर है तो वर्नियर कैलिपर क्या करेगा, ये जो है ये इसकी मोटाई को मेजर करता है. वो कर्व लाइन को मेजर नहीं करता है, वो किसी भी लेंथ की मोटाई को मेजर करता है. तो वर्नियर कैलिपर भी नहीं होगा. थर्ड है मेजरिंग टेप. टेप से भी क्या होता है, एकदम स्ट्रेट जो चीज़ रहता है उसको हम मेजर कर लेते हैं, लेकिन ऐसे घुमा हुआ रहेगा उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल थ्रेड स्केल. फ्लेक्सिबल जो मतलब लचीला होता है, उसको जैसे आप घुमाओ वैसे घूम जाए. तो ऐसे अगर घुमावदार अगर कर्व लाइन रहेगा तो उसको मापने के लिए हमको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना होगा, फ्लेक्सिबल थ्रेड स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन द मोशन ऑफ अ टिप ऑफ पेन व्हाइल राइटिंग इज एन. तो पूछ रहा है कि जब हम ये पेन से जब लिखते हैं तो पेन का जो ये टिप होता है इसका मोशन कैसा होता है, वो कैसा मोशन करता है जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो वो कैसा मोशन करता है, कर्व लाइन कर्वी लीनियर मोशन. वो कर्व कोई भी हम पेन अगर मूव कराते हैं तो ये क्या कर्व में चलता है, एकदम स्ट्रेट नहीं चलता, ऊपर नीचे ऐसे कर्व लाइन बनाते हुए चलता है. आप भी कुछ लिखते हैं तो क्या होता है, ऊपर नीचे ऊपर हैंड के यहाँ पे ध्यान, यहाँ पर आप नोटिस करना, यहाँ पर जब कुछ भी लिखते हैं तो ये क्या ऊपर नीचे करके कर्व लाइन जैसे मोशन करता है. तो इसका जो टिप होता है वो कैसा मोशन करता है, कर्वी लीनियर मोशन. द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ अ बाईसाइकिल ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड ए सेलिंग फैन. इनमें से जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा सही है, मोशन ऑफ बाईसाइकिल और सेलिंग फैन का, सेलिंग फैन और बाईसाइकिल. तो बाईसाइकिल कैसा मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन पर मतलब रेक्टिलिनियर मोशन करता है. बाईसाइकिल को आप भी देखते एकदम सीधे चलता है वो, तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा बच्चों, एग्जैक्टली रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा. और सेलिंग फैन, तो सेलिंग फैन क्या होता है, एक एक्सिस पर फिक्स रहता है और उसके वे चारों तरफ से उसका ब्लेड मूव करते रहता है, तो वो कैसा मोशन हो जाएगा, रोटेशनल मोशन. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, बोथ अंडरगो रोटेशनल मोशन, दोनों रोटेशनल मोशन करता है, नो. बोथ अंडरगो रोटेशनल एंड रेक्टिलिनियर मोशन, क्या दोनों रोटेशनल मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन करता है. और तीसरा है क्या, बोथ अंडरगो रेक्टिल, क्या दोनों रेक्टिलिनियर मोशन, तो रेक्टिलिनियर मोशन भी दोनों नहीं करता है. और उसके बाद नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोथ अंडरगो रोटेशनल एंड रेक्टिलिनियर मोशन, क्या होता है इसमें से एक रोटेशनल मोशन करता है दूसरा रेक्टिलिनियर मोशन करता है. द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. द मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज डॉटेड इन नेचर. चाइल्ड जो बच्चा जो झूले पर जो झूलता है उस झूले का मोशन कैसा होता है, तो उसका मोशन बच्चों आपको पता होगा कि उसका मोशन होता है रोटेशनल. वो ऐसे राउंड 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 ये क्या करता है, मोशन करता है. मैरी गो स्विंग आप देखे होंगे, एक झूला होता है मैरी गो राउंड, आप देखते हो गया मैरी गो राउंड में क्या होता है, वो इस तरह से मूव करते हुए रहता है, राउंड राउंड मूव करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा रोटेशनल मोशन. द व्हील ऑफ अ मूविंग कार, द व्हील्स ऑफ अ मूविंग कार गोइंग ऑन अ स्ट्रेट रोड आर इन डॉट डॉट मोशन. तो यहाँ पे मूविंग कार के मोशन के बारे में नहीं पूछा जा रहा, अगर बोलता मूविंग कार का मोशन तो वो तो हो जाता है रेक्टिलिनियर मोशन. यहाँ पूछा है व्हील ऑफ मूविंग कार, उसका जो व्हील होता है चक्का होता है वो कैसे मूव करता है, तो वो बच्चे मूव करता है रोटेशनल,
वो ऐसे ऐसे रोटेशनल सर्कुलर मोशन करता है, उसका व्हील। यहाँ क्या हो जाएगा, रोटेशनल मोशन दोनों में सेम ही होगा। वाई सिटिंग इन अ बस वी आर इन डॉट डॉट विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंड। जब हम लोग बस में बैठे हुए रहते हैं तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं या मोशन में होते हैं। तो सराउंडिंग मेरा हो गया ट्री हो गया, या फिर कोई पीपल हो जाएगा जो बस के बाहर रहता है, तो उसके रेस्पेक्ट में तो हमारा पोजिशन चेंज होते रहता है, तो क्या बोलेंगे, वी आर इन मोशन। द मोशन ऑफ द नीडिल ऑफ स्विंग मशीन इज ए डॉट डॉट मोशन। स्विंग मशीन मतलब सिलाई का मशीन। तो बच्चों सिलाई के मशीन में जो सुई होता है उसका मोशन कैसा होता है, आप ध्यान देते होंगे, वो सुई जो होता है सिर्फ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहता है, मीन्स वो ऑसिलेटरी मोशन करते रहता है, अपने पाथ को रिपीट कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, मीन्स वो कैसा मोशन हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डॉट डॉट मीटर। तो 1 किलोमीटर में तो होता है 1000 मीटर्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो ट्रू स्टेटमेंट के लिए बच्चों टी लिखना है एंड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। द मोशन ऑफ अ जायंट व्हील इज अ रोटरी मोशन। तो जायंट व्हील जो होता है वही जायंट व्हील होता है जो राउंड राउंड मूव करता है। आप मेले में देखे होंगे घुमावदार जो बहुत बड़ा सा होता है झूला, वो क्या होता है ऐसे राउंड राउंड सर्कुलर जो घूमते रहता है, तो उसका मोशन कैसा होता है, उसका मोशन रोटेटरी मोशन होता है। तो क्या बोलेंगे, यस ट्रू रोटेटरी मोशन होता है। क्या कहते, एक जगह से वो फिक्स रहता है उसके बाद उसे वो राउंड राउंड घूमते हुए, बीच में वो फिक्स रहता है उसके बाद वो राउंड राउंड घूमते रहता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रू। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज अ रेक्टिलिनियर मोशन। तो मून का मोशन सन के चारों ओर वो रेक्टिलिनियर है क्या, सीधा होता है, नो, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। द मोशन ऑफ द बाईसाइकिल पैडल इज अ सर्कुलर मोशन। तो बाईसाइकिल का जो पैडल होता है वो कैसे मोशन करता है, सर्कुलर मोशन ही करता है। आप उस पैडल को नचाते हो तो कैसे, ऐसे ऐसे वो मूव करता रहता है, तो उसका मोशन होता है सर्कुलर मोशन, तो इसमें हो जाएगा ट्रू। When we draw water from a well, we are pushing the rope। जब हम लोग कुएं से पानी को निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, रस्सी को धक्का देते हैं, नहीं, जब भी हम कुआं से पानी निकालेंगे तो रस्सी को क्या करना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा, उसको खींचना पड़ेगा, सॉरी उसको पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा मतलब उसको पुल करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया पुशिंग तो हो जाएगा यहाँ फॉर्म्स। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड ए मीटर स्केल कैन बी यूज। बोला जाता है कि प्ले ग्राउंड जो है जिसमें हम लोग खेलते हैं उतना बड़ा प्ले ग्राउंड, क्या उसका लेंथ का मेजर कि वो कितना लंबा है वो मीटर स्केल से कर सकते हैं, जो हम लोग के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है, नहीं कर सकते हैं, क्या होगा, फॉल्स होगा, उतना बड़ा लेंथ को हम स्केल से मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी नीड ए स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि मेजरमेंट के लिए हमें स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि हम लोग पहले मेजर करते थे कोई भी चीज़ को हैंड स्पेन से करते थे, या फिर अपने ये इसके लेंथ के द्वारा करते थे, तो इसे क्यों हटा दिया गया, स्टैंडर्ड यूनिट को क्यों लाया गया। तो आप खुद सोचो कि ये हैंड स्पेन जो होता है सुबह पीपल टू पीपल वेरी करता है, किसी का ये हैंड स्पेन बड़ा होगा किसी का हैंड स्पेन छोटा होगा, है ना। तो इसी इसी जो प्रॉब्लम था इसको दूर करने के लिए ही हम लोग को क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत हुई जो सभी के लिए एक हो, वो क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करें। लेकिन हैंड स्पेन में क्या प्रॉब्लम होता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मतलब चेंज करता है, इसलिए हम लोग को स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्यूश बिटवीन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इट्स टाइप। बोला जा रहा है पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मोशन में अंतर कीजिए और प्रत्येक का दो एग्जाम्पल दीजिए। तो पीरियोडिक मोशन हो जाएगा क्या बच्चों, ए मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट रिपीट इट सेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वैसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट
अपने पाथ को एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद रिपीट करता है। वैसे ही मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में हो जाएगा, एग्जाम्पल में तो हो जाएगा मोशन ऑफ क्लॉक, जो घड़ी होता है वो उसका मोशन हो जाएगा, तो मोशन ऑफ क्लॉक। और सेकेंड हो जाएगा अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन वंस एवरी ईयर, हर एक साल में, मिस प्रत्येक साल मून जो है सो अर्थ का एक चक्कर लगाता है। तो यहाँ टाइम फिक्स हो गया और उसके साथ साथ उसका पाथ भी क्या होता है, फिक्स होता है, दोनों फिक्स है, इसलिए ऐसे मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट पूछा है हमसे नॉन पीरियोडिक मोशन, तो क्या बोलेंगे, ए मोशन इज सेड टू बी नॉन पीरियोडिक इफ इट रिपीट इट सेल्फ नॉट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जब वैसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपने मोशन को, अपने गति को एक निश्चित समय के बाद नहीं दोहराता है, तो वैसे ही मोशन को हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल में हो जाएगा मोशन ऑफ लिप, जो हम लोग बोलते हैं वो लिप का मोशन, कभी फास्ट हो जाता है तो कभी स्लो, ये बोल सकते हैं मोशन ऑफ स्लिप। और बोल सकते हैं मोशन ऑफ फुटबॉल बाई किकिंग द फुटबॉल प्लेयर, जब फुटबॉल प्लेयर किसी फुटबॉल को मारता है तो जरूरत जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या वो एक ही रास्ते से जाए। हम मारेंगे, सपोज कि हम यहाँ फुटबॉल यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ हम किक करेंगे तो ये इस पाथ से गया, कोई दूसरा अगर किक करेगा उसी फुटबॉल को, जरूरी नहीं है कि इसी पाथ से जाएगा, वो दूसरे पाथ से भी जा सकता है, वो स्लो भी जा सकता है, वो फास्ट भी जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इच। तो रेस्ट और मोशन को हम लोग को एक्सप्लेन करना है और प्रत्येक का दो एग्जाम्पल देना है। तो रेस्ट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि अगर कोई बॉडी अपने सराउंड के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करती है, तो वैसे बॉडी को हम बोलते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है। मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। तो मोशन, और फिर मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजिशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता है, तो ऐसे ही तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो इसका एग्जाम्पल दे देंगे मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ क्लॉक, मतलब ऐसा कोई भी चीज को आप एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट है व्हाई इज अ फुट स्टेप और अ हैंड स्पैन नॉट यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। बोला जा रहा है कि फुट स्टेप, और जैसे हम लोग क्रिकेट अगर आप खेलते होंगे तो जानते होंगे कि क्रिकेट को हम लोग 22 फुट स्टेप रखते हैं, 22 बोलते हैं कि ये पैर से नाप के देखते तो वो 22 होना चाहिए, उसका फुट स्टेप कितना होना चाहिए, 22 धाप हम लोग बोलते हैं कि वैसा होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये फिक्स होता है बताओ, तो कोई कोई ना मेजर करेगा तो वो ज़्यादा हो सकता है, किसी के द्वारा वो कम हो सकता है। हैंड स्पिन के बारे में तो हम आपको पहले ही बोल दिए, हर एक पर्सन का हाथ बड़ा छोटा होता है, सबका एक जैसे नहीं होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं था किसी भी चीज़ को मेजर करने का, पर्सन टू पर्सन ये क्या करेगा, वैरी करेगा, किसी से ज़्यादा नापा जाएगा तो किसी से कम नापा जाएगा, फिक्स्ड इससे किसी भी मेजरमेंट का पता नहीं चलेगा, इसीलिए क्या किया गया था, स्टैंडर्ड यूनिट की हम लोग की जरूरत पड़ी, और इसलिए ही फुट स्टेप और हैंड स्पिन को स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है। वॉट आर द प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड वेन अ मीटर स्केल इज बींग यूज मेजरिंग गिवेन लेंथ। तो किसी भी दिए गए लेंथ को मेजर करने के लिए हमें क्या क्या सावधानी को बरतनी चाहिए, इसमें बोला है लिखने के लिए कौन कौन सा प्रिकॉशंस, मतलब क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो कोई भी अगर लेंथ हमको दिया गया है उसको मेजर करना है, तो सबसे पहले बच्चों हमको एक स्केल का चुनाव करना होगा कि कितना बड़ा लेंथ है। अगर बहुत बड़ा लेंथ होगा तो हम क्या करेंगे, टेप का यूज़ कर लेंगे, मेजरिंग टेप का यूज़ कर लेंगे। अगर छोटा अगर हमको लेंथ मेजर करना है तो हम लोग रूलर मीन्स स्केल का यूज़ कर लेंगे। कोई राउंड चीज़ का लेंथ मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर का यूज़ करते हैं।
तो फर्स्टली हमको ये देखना है, जो लेंथ दिया गया उससे हमको ये पता करना है कि हमको कितना लंबा कोई भी लेंथ को मेजर करना है या किसके लेंथ को मेजर करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इंस्ट्रूमेंट का चुनाव करेंगे, इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करेंगे। और सेकेंड नंबर में आता है कि जो लेंथ हमको मेजर करना है, जैसे कि मान लीजिए कि इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट तक का लेंथ मेजर करना है, तो हमारा जो स्केल का जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है 0, एकदम इस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। ये सेकेंड हो गया, ऊपर तो हो गया। और एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो स्केल जो हम रखेंगे वो एकदम सीधा होना चाहिए, वो टेढ़ा या ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एकदम पैरेलल रहना चाहिए, एकदम सीधा रहना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, सही लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। यही सारे प्रिकॉशन को हमको क्या रखना होगा, ध्यान में रखना होगा कोई भी लेंथ को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है, वाई डज अ मेजरमेंट नीड बोथ अ नंबर एंड अ यूनिट फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। बोला जा रहा है किसी भी मेजरमेंट में हमको नंबर, नंबर मतलब संख्या, यूनिट मतलब जिससे नापते हैं, वो दोनों की जानकारी क्यों होनी चाहिए, वो दोनों की जरूरत हमको क्यों होती है। तो नंबर और यूनिट दोनों की जरूरत हमको क्यों होती है, तो बच्चों समझिएगा, जैसे कि आप को हम बोले कि यहां से यहां तक के बुक के लेंथ को क्या कीजिए, मेजर कीजिए, तो आप मेजर करके हमको ये बोल दो कि सर ये 6 है, तो हम पूछेंगे ना 6 क्या, मेरे को समझ में आएगा कि ये 6 क्या बोल दिया, या आप बोलोगे कि 5 है, तो हम बोलेंगे 5 क्या है बच्चों, 5 क्या आप बोल रहे हो, समझ में नहीं आएगा कि 5 आप मीटर बोले हो, सेंटीमीटर बोले हो, मिलीमीटर बोले हो, कुछ समझ में आएगा। या फिर आप चले जाओ ग्रॉसरी शॉप में, किराने के दुकान में जाके बोलो चीनी खरीदने के लिए कि हमको एक चीनी चाहिए, तो पूछेगा एक क्या, आपको 1 केजी चीनी चाहिए, 1 क्विंटल चीनी चाहिए, एक क्या चाहिए, तो उसको समझ में, सिर्फ अगर हम नंबर बोलते हैं तो क्या होगा, सामने वाला को बात समझ में नहीं आएगी। ये तो हो गया नंबर, कि हम नंबर की जरूरत क्यों पड़ती है। और अब पूछ रहा है कि यूनिट, तो यूनिट के बच्चों क्यों जरूरत पड़ती है, वो ध्यान दीजिए, आप फिर से इसी को मेजर करना है, आप हमको डायरेक्ट बोल दो कि सर सेंटीमीटर है, तो हम पूछेंगे ना कि कितना सेंटीमीटर है, सिर्फ सेंटीमीटर बोल दोगे फिर भी मेजरमेंट क्या क्या होगा, सही जानकारी आप नहीं दे रहे हो, सिर्फ नंबर बोल दोगे फिर भी आप सही जानकारी हमें नहीं दे रहे हो। ये क्या होता है, सिर्फ नंबर यूज करने से या सिर्फ यूनिट यूज करने से सामने वाले को हमारी बात समझ में नहीं आती है, मेजरमेंट का इससे हम सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन सामने वाले को नहीं दे पाते। वही आप बोलो कि सर ये जो बुक है इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर आप जैसे ही बोले तो क्या एकदम क्लियर है, 10 एक नंबर हमको पता चल गया और आप एक यूनिट क्या दे दिए, सेंटीमीटर, तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसकी लेंथ कितनी है। तो ये मेजरमेंट में इसलिए हमको डिजिट मीन्स नंबर और यूनिट दोनों की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, कैन अ बॉडी हैव रोटेशनल एंड रेक्टिलिनियर मोशन एट द टाइम जस्टिफाई योर आंसर। बोला जा रहा है क्या एक ही बॉडी एक ही समय में रोटेशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन दोनों कर सकता है। तो पहले रोटेशनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन जान लीजिए बच्चों। रोटेशनल मोशन होता है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मूव करता है, राउंड राउंड मूव करता है, तो वैसे मोशन को बोलते हैं रोटेशनल। और रेक्टिलिनियर मतलब कि एकदम स्ट्रेट पाथ पर, एकदम सीधी रेखा पे, सीधी रास्ते पर जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर। अब क्या दोनों एक साथ हो सकता है, सोचने वाली बात है। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। आप एक कार को मूव करते हुए देखे होइएगा रोड पे, तो कार जब मूव करता है रास्ते पे तो क्या होता है, एकदम सीधे चलता है, मतलब वो कैसा मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, या बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन कर, एकदम स्ट्रेट पाथ पे, रोड जो होता है स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा होता है, तो वो क्या करता है, स्ट्रेट मोशन करता है। और उसके साथ साथ आप उसके व्हील को देखिएगा, वो जो होता है कार उसके व्हील को देखिएगा, तो वो व्हील क्या होता है, राउंड 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 मोशन करता है, कार स्ट्रेट लाइन पे भी मोशन करके आगे जा रहा है और उसका व्हील क्या है, राउंड राउंड भी मोशन कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ही बॉडी एक ही टाइम में दोनों मोशन कर रहा है, रोटेशनल एज वेल एज रेक्टिलिनियर। तो क्या होगा, कैन अ बॉडी, तो ये बोले यस ए बॉडी हैव रोटेशनल एंड रेक्टिलिनियर मोशन एट द सेम टाइम, गॉट इट।
तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन एंड आंसर मोशन एंड मेजरमेंट चैप्टर का। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन बताएं उस क्वेश्चन को राइट डाउन करना है और आंसर शीट अभी हम आपको दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करके वो आंसर आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो ये रहा आंसर, जो भी क्वेश्चन दिया गया उसका ये आंसर है। तो क्वेश्चन तो आप जिस समय हम करवाए हैं क्वेश्चन उस समय वीडियो को पॉज कर करके आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, यहाँ आपके सामने सिर्फ आंसर है। तो इसमें ए है, ए क्वेश्चन का 5 है आंसर ये दिया गया है। फिर बी में भी 5 क्वेश्चन था उसका ये आंसर दिया गया है। फिर सी में 5 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाला वो है, और डी का इसमें दिया गया 1 और 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, नेक्स्ट पेज में है 2 के बाद ये रहा 3, 4, 5 एंड 6। ये सारे आंसर को आपको राइट डाउन कर लेना है और इसको समझकर घर पे याद करना है, ठीक। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। थैंक यू।